देश भर में ईद मिलाद उल नबी बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। बता दें कि यह दिन पैगंबर मोहम्मद साहब के जन्म की खुशी के रूप में मनाया जाता है, जो कि इस्लाम में नबी हैं। यह पर्व इस्लामी कैलेंडर के तीसरे महीने रबी अल अव्वल की 12वीं तारीख को मनाया जाता है। यह दिन पैगंबर साहब के इंसानियत के प्रति योगदान व मुसलमानों को समाज सेवा के लिए प्रेरित करता है, साथ ही गरीबों व जरूरतमंदों की मदद करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। डोईवाला के तेलीवाला में यह दिन हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। जुलूस निकाल हजरत मोहम्मद साहब के बताए रास्तों पर चलने का संकल्प लिया गया। इस दौरान मौलाना मोहम्मद अशरफुल कादरी ने देश में अमन चैन की दुआ करते हुए सभी देशवासियों से प्यार मोहब्बत से रहने की भी अपील की। वहीं सभासद अब्दुल कादिर व रहीश अहमद ने भी सभी को मुबारकबाद देते हुए मोहम्मद साहब की हर सुन्नत पर चलने की बात कही। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जन्मदिन के अवसर पर हर साल ये जुलूस के शक्ल में कुड़कावाला होते हुए तेलीवाला, हमारा तेलीवाला से एक जुलूस निकलता है जो कुएं के मैदान में जाकर खत्म होता है, और विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और मैं शासन प्रशासन का धन्यवाद करना चाहूंगा कि इस पुण्य कार्य में जो है वो हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रहे हैं, और आप सभी लोगों को जो है ईद उल मिलादुन नबी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये ईद मिलादुन नबी है, यानी हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है, और इस दिन हर ईमान वाला, हर मुसलमान इस दिन खुशी मनाता है। मैं इस मुबारक मौके पे एक तो सबसे पहले आप सबको मुबारकबाद पेश करूँगा, और मैं इस पुरअमन दिन की खुशी में मैं आप सबसे और तमाम देशवासियों से ये कहना चाहूँगा कि हमारे मुल्क अजीज यानी हमारा मुल्क हिंदुस्तान में जो लोग दंगा और फसाद करते हैं, उनको प्रशासन और जो ज़िम्मेदार हजरात हैं वो उनको रोकें, और अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान जहां कहीं भी रहता है वो पुरअमन रहता है, पुरसकून रहता है। और ये मुबारक जो दिन है वो हमारे नबी की पैदाइश का दिन है, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का दिन है।